ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया, ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया, हमारा क्या हो गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, ए का मतलब हो गया 2√2, बी का मतलब हो गया 3√3। इसको आप यहाँ रखो, ये हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर। ठीक, ए पावर इस पर भी आएगा, 2 × 2 इस पर भी आएगा, 2√2 × 2 माइनस 3√3 मल्टीप्लाई इस पर भी आएगा नंबर, और यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब होता है अगर आप नहीं काट सकते तो √2√2 बराबर होता है 2, इसका हो गया 2 × 2 × 2 माइनस 3 × 3 × 3 3 इसका मतलब हो गया बेसिक। ठीक है, और 2 × 4 × 8 × 9 × 9 × 27 तो इसका हो जाएगा माइनस 9। ठीक है, और उसको पैर में चाहता हूँ। अगले क्वेश्चन देखो, अगला है दूसरा क्वेश्चन, 2√8 माइनस 3√2 का स्क्वायर, इसका हो जाएगा, देखो इसका होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये रखिए। तो यानी ये आपका लग गया फॉर्मूला, क्योंकि ये आपको है a का मतलब 2√8 आ गया और b का मतलब 3√2 आ गया, यानी a इज इक्वल टू 2√8 और b इज इक्वल टू 3√2। अब हम क्या करेंगे, इसको उठाकर यहाँ रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 2√8 का स्क्वायर माइनस 2 × और a का मतलब हो गया 2√8 मल्टीप्लाई बी मतलब हो गया 3√2 प्लस बी का स्क्वायर, मतलब इसको आप यहाँ रखेंगे, ये हो जाएगा 3√2 का स्क्वायर। अब देखिए इसको उठाकर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई 2, और अब इसको इससे करके मल्टीप्लाई 2√8 × √8 माइनस सेम का दो 2 × 2√2 प्लस अब क्या करेंगे, इसको करेंगे इसके साथ डबल 3 × 3 हो जाएगा, अब यहाँ भी डबल हो जाएगा 2 × 2 राइट। अब देखिए 2 × 4 × √8 8 होता है माइनस जितने बार है बार के साथ बार जमा करो 3 × 6 8 6 × 2 8 यहाँ आ गया 2 × 8 और अंदर को अंदर के साथ 8 × 16 यही हो जाएगा आपका 16 प्लस इसको लिखेंगे 3 × 3 = 9 और इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 2 बेसिक 8 × 32। अब देखो 16 का रूट 4 होता है 12 × 4 ठीक है प्लस 9 × 18 ये हो जाएगा 32 माइनस ये हो जाएगा 48 प्लस 18 ये प्लस होता है प्लस को प्लस के साथ प्लस 32 प्लस 18 माइनस 48 राइट ये हो जाएगा 50 माइनस 48 तो कितना हो जाएगा 2 जल्दी करिए। अगर देखिए 67 का थर्ड √7 प्लस √6 का स्क्वायर राइट, वह कौन सा फॉर्मूला आ गया, इसको मानेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर राइट। तो क्या लग गया होगा फॉर्मूला इसका, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर राइट। a का मतलब आ गया √7 यहाँ लिखिए a इज इक्वल टू √7 राइट और b इज इक्वल टू आ गया √6। a के सामने आपका √7 है, b के सामने √6। अब इसको क्या करें यहाँ रखना है, यहाँ लिखिए
टू से वन का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा टू इंटू ए मतलब रूट सेवन प्लस बी मतलब हो गया रूट सिक्स प्लस बी का हो गया रूट सिक्स का स्क्वायर। इससे आपका कट गया कितना आ गया सेवन, अंदर बंद मल्टीप्लाई करो टू इंटू फोर्टी टू राइट, और इसको इसे कट करो कितना आ गया सिक्स, रूट को अलग कर दो और अंकों के साथ सात छः तेरह, इसका हो गया तेरह प्लस दो रूट फोर्टी टू, ये आपके आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 67 का फोर्थ क्वेश्चन, सिक्स माइनस रूट टू और टू प्लस रूट थ्री राइट, ध्यान देखो अब यहाँ पे कोहरा इसमें नहीं लगेगा, इसमें कोई कोहरा नहीं लग पाएगा, क्यों? क्योंकि ये सिक्स अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है और ये भी अलग है, तो यहाँ कोहरा लगने की कोई संभावना नहीं है। तो क्या होगा, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता है, ब्रैकेट के बाहर में मल्टीप्लाई होता है, इसको यहाँ निकालो सिक्स ब्रैकेट इसको लिखो टू प्लस रूट थ्री, यहाँ हो जाएगा माइनस रूट टू, ये हो जाएगा टू प्लस रूट थ्री राइट। अब हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करो सिक्स टू जा ट्वेल्व, इसको इससे करो सिक्स रूट थ्री माइनस, इसको इससे करो रूट टू सॉरी, और आप इसको इससे करो तो रूट टू रूट से करेगा तो तीन छः होगा, छः तो हमने कर दिया, पर यहाँ देखो ये प्लस है और प्लस और माइनस माइनस, ओके आपको कुछ नहीं होगा, बस यही आपका आंसर होगा। ठीक है अब आगे देखो, अब है आपका 68 का पहला क्वेश्चन, टू की पावर 38 प्लस टू पावर 37 प्लस टू पावर 36 अपॉन टू पावर 39 प्लस टू पावर 38 प्लस टू पावर 36 सेवन राइट। देखिए सबसे पहले बताओ आप इसमें सबसे कम क्या लिखा है, पावर कौन सा कम है, ये है इसमें पावर कौन सा कम है, ये है, तो इसको आप बाहर लिखा दो, इसको एक लाइन थोड़ा तोड़ना पड़ेगा, देखो कितना है 36, इसको भी कर दो 36, इसे भी कर दो, क्योंकि फॉर्मूला होता है ए की पावर एन मल्टीप्लाई एक पावर एन बराबर होगा एक पावर एन प्लस एन, यानी मल्टीप्लाई में पावर क्या करेंगे जोड़ देंगे, ठीक है क्या होगा टू की पावर 36 इंटू टू पावर टू राइट, 36 का कर दिया 36 दो 38 हो गया, चलो आगे 36 इंटू टू पावर वन, क्यों हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसके जैसा लाना है प्लस टू पावर 36 तो नहीं और मल्टीप्लाई को वन कर सकते कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टू बन जाए बीट होगा अपॉन, अब हो गया कितना है 37, सबको करो 37 नीचे टू की पावर 37 मल्टीप्लाई टू पावर टू 37 और टू 39 प्लस टू की पावर 37 प्लस एक वन 37 और वन 38, अब यहाँ आ जाएगा टू पावर 37 और मल्टीप्लाई वन, अब आप बताओ मुझे उसमें क्या लग रहा है 36 आप इसको कॉमन ले लो, तो कॉमन ले लिया क्या बचेगा टू का टू बचेगा
यहाँ लिखो टू का टू प्लस यहाँ क्या हो जाएगा टू का वन और यहाँ क्या हो जाएगा वन राइट। आप देखो आगे इसमें क्या कॉमन है टू का 37 और यहाँ क्या हो जाएगा टू का टू और इसका हो जाएगा टू का वन और यहाँ आ जाएगा वन ठीक। अब देखो दोनों मिल रहा ना तो इसको कट कर सकते हो। अब क्या बच गया टू का 36 अपॉन टू का अब 37 से इसको लिख सकते हैं 36 और पावर वन तो 36 और वन 37 हो गया। इससे आपका एक कर दिया तो वो जब ऊपर कुछ नहीं होता तो एक मान सकते हैं वन बाई टू आंसर आपका आ गया। अब आगे चलते ओके अब भाई आगे का 68 का टू क्वेश्चन 64 वन बाई टू 1/6 ध्यान दो मैथ बिल्कुल अलग है। जब कोई ब्रैकेट के अंदर में होता है तो उसको हम एलसीएम करते हैं। तो आप बताओ यहाँ पर 2 है यहाँ 64 है ऐसा कौन सा टेबल जो होगा जो गुना करने पर पावर 2 आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि 8 × 8 आएगा 64 यानी 8 का स्क्वायर तो यहाँ लगा दीजिए 8 का स्क्वायर देखो इसको हमने थोड़ा तो अंदर ला गया इसको हमने इस लाइन के बाहर ला दिया इसको हमें यहाँ लेकर आया इसको हमें यहाँ लेकर आया ओके। अब आगे देखो अब 2 से पूरा कर दिया 1 बाहर होता है 1 अंदर होता है इसका फॉर्मूला होता है 1 अंदर 1 बाहर उसको हम गुना कर देते हैं वही हम करने जा रहे हैं। इसका हो गया 8 2 एकम 2 और 2 × 3 = 6 यानी यहाँ हो गया 8 पावर 1/3। अब 8 को क्या करेंगे लघुत्तम तो यहाँ 8 लघुत्तम कर दीजिए ऐसे करके 2 4 आ गया 2 × 2 = 3 इसे कट जाएगा आंसर आ गया 2। बताओ अब आगे अब आते हैं 69 देखिए सिक्स अपॉन 3√3 2 − 3√3 = 3√2 − 8√3 देखिए इसमें एक मान याद करने बोल रहा है एक फाइंड करने लेकिन ये लेकिन थोड़ा बहुत अलग है हम इसको अभी छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। पहली बात के रूट कभी नीचे होता ही नहीं क्योंकि नीचे होगा तो आंसर नहीं आएगा तो इसको क्या करेंगे ध्यान दीजिए 3√2 − 2√3 मल्टीप्लाई हो गया अब माइनस टू का हो जाएगा प्लस 3√2 + 2√3 अपॉन 3√2 + 2√3 राइट। यहाँ देखो ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर होगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। देखो इसको सेम लिखो 6 × 3√2 + 2√3 चलो यहाँ फॉर्मूला हो गया यहाँ क्या लिखोगे आप
यहाँ लिखो थ्री रूट टू का स्क्वायर माइनस इसको लिखो टू रूट थ्री का स्क्वायर, यहाँ लिख दो आप ए मतलब हो गया थ्री रूट टू, अब बी मतलब हो गया टू रूट थ्री, राइट। देखो एक इसको सेम लिखो आगे, इसको सेम लिखो सिक्स इंटू थ्री रूट टू प्लस टू रूट थ्री अपॉन, अब ये इस पर भी आएगा और इस पर भी आएगा, तो थ्री इंटू थ्री इंटू रूट टू इंटू रूट टू माइनस इस पर भी आएगा टू रूट टू, इसको यहाँ पे आएगा रूट थ्री इंटू रूट थ्री, मतलब जितनी अंदर होगा और पावर जितना हो उतनी सबका अलग अलग संख्या होगी, तीन है दो बार दो बार, रूट टू दो बार, दो में दो बार लिखा और रूट थ्री भी दो बार, क्योंकि यहाँ पावर दो है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए कितना हो गया सिक्स इंटू थ्री रूट टू प्लस टू रूट थ्री, राइट। यहाँ हो गया थ्री थ्री या नाइन मल्टीप्लाई टू टू या फोर, अब यहाँ कितना आ जाएगा टू टू या टू टू या फोर मल्टीप्लाई रूट थ्री कितना आ गया थ्री, राइट। आगे देखो इसके बाद नाइन हो जा 36, देखो अब क्या होगा यहाँ लेंगे सिक्स ब्रैकेट थ्री रूट टू प्लस टू रूट थ्री अपॉन नाइन मुझे कितना आएगा, यहाँ टू थ्री आएगा, यहाँ यहाँ पर टू आएगा क्योंकि रूट थ्री सेम मिल रहा है, तीन आ गया तो नौ तीन अठारह अरे बारह, यहाँ आ जाएगा अठारह माइनस बारह। अब देखो सिक्स थ्री रूट टू प्लस टू रूट थ्री यहाँ कितना हो गया सिक्स, तो इसे आपका कट गया तो यहाँ हो गया थ्री रूट टू प्लस टू रूट थ्री, राइट। अब हम इसको उठाएंगे, इसको उठाकर अब यहाँ रखना है, देखो थ्री रूट टू माइनस ए और रूट थ्री, देखो ये दोनों मिल रहा है ना, इसे इसकी कोई चर्चा ही नहीं करनी, रूट थ्री मिल रहा है क्या बच गया ए, सामने क्या टू और माइनस है, पहले कीजिए टू बराबर माइनस ए, ए का मान आ गया माइनस टू, तब ये सवाल ठीक है तो जल्दी नोट करो। अब कराएंगे सेवन सेवन नंबर, हो गया। सत्तर नंबर देखिए, सत्तर व्यू साइन कोसाइन ब्रैकेट पांच प्लस वन बाय फोर, ठीक है जानते तीन, यहाँ कितना हो गया तीन
वन बाई थ्री, तीन दो पाँच। देखिए यहाँ हो गया तीन दो पाँच, पाँच इंटू पाँच का तीन, राइट, वन बाई फोर। और देखिए पाँच कितनी बार हो गया, तीन यहाँ और एक यहाँ, मल्टीप्लाई पावर जुड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे लगे फॉर्मूला ए की पावर एन और ए पावर एन, यहाँ पे लगे फॉर्मूला, राइट, ए जुड़ जाएगा एम प्लस एन, राइट, तो प्लस हो गया और तीन एक चार, तो पाँच की पावर हो जाएगा चार, तो यहाँ हो गया चार, इसे कट जाएगा, आंसर आ जाएगा पाँच। करो बाकी, और बाकी हम कल बताएंगे, ठीक है, ठीक है बच्चों, इतने रहने पाएंगे।